मूसा हसन, और हम क्या देख रहे हैं मूसा भी लो। कल पाकिस्तान को देखें तो कल पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरा दिन था, बहुत ही डेंजरस दिन था कल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बॉलर्स पे फेवर कर रही थी पिच। आज थोड़ा सा बेहतर थी आज पिच बैट्समैन के लिए, और 223 है 9 विकेट बहुत है, क्योंकि ये नो स्कोरिंग मैच है और इंग्लैंड ने भी इतना ही बनाना है, क्योंकि अच्छा हमारी बॉलिंग, अच्छा अटैक है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद अब्बास है, नसीम शाह है, यासिर शाह है, तो हमारा भी बहुत अच्छा अटैक है और हम भी ये कोशिश करेंगे। तो अभी हम 250 बनाए और फिर हम इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी आउट करो और फिर से सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग दें। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी चीज़ें की, लेकिन आज इतवार ने बहुत फाइटिंग इनिंग्स खेली, क्योंकि अगर वो इनिंग्स ना खेलते तो शायद पाकिस्तान आउट ही हो जाता और 200 भी नहीं कर पाता। तो ये आबिद अली और रिजवान की इनिंग्स थी 60-60 की, और अगर ये दोनों इनिंग्स ना करते तो पाकिस्तान ने पिछली तरह सेकेंड इनिंग में रन किए थे, उतना ही होना था रन। लेकिन बहुत अच्छा फाइट बैक की पाकिस्तान ने, बाबर आजम जल्दी आउट होंगे क्योंकि आज 14 अगस्त है, तो हम समझे थे कि वो हमारे हीरो बनेंगे 14 अगस्त पे और वो सेंचुरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और रिजवान ने बहुत शानदार इनिंग खेली है, ब्रॉड और एंडरसन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, बॉक्स कर उन्होंने, और ये खासियत बात है इंग्लैंड की कि उन्होंने कुछ स्पिनर को निकाला, क्योंकि वो समझे थे क्योंकि हम हमारे लिए के फास्ट बॉलर ही बहुत है, क्योंकि अगर हम सिर्फ फास्ट बॉलर को भी बॉलिंग करा लेंगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा और हम आउट कर लेंगे पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी। तो ऐसा ही हुआ, बस थोड़ी सी हमें फाइट बैक दिखी पाकिस्तान से। अब मुझे लग रही है लो स्कोरिंग मैच है, क्योंकि कल भी इतना ठीक स्कोर नहीं था, बैटिंग में बैटिंग के लिए इतना फेवर नहीं थी पिच, तो शायद ये लो स्कोरिंग मैच होगा, और लो स्कोरिंग मैच बड़े मज़ेदार होते हैं और हमें मज़ा आता है। तो हम कल देखेंगे, कल अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, कल सन को निकलना चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन बारिश हो गई, अगर अगले दिन भी बारिश हो गई, तो अगर ऐसी क्रिकेट हुई कल भी, तो मुझे तो लगता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और शायद इंग्लैंड अपनी जो लीड है 1-0 की वो 3rd टेस्ट में बरकरार रखेगा। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो।